हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यदि आपको भी दिखने लगे हैं 7 संकेत तो तुरंत आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लेना चाहिए। आइए जानते हैं 7 संकेत कौन से। आमतौर पर सुनने को मिलता है कि जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो यह प्रेगनेंसी का संकेत होता है, मगर बदलते लाइफस्टाइल व गलत आदतों के कारण अधिकतर महिलाओं को अनियमित पीरियड्स का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से अक्सर महिलाएं गलत फहमी में पड़ जाती हैं। वैसे तो आप अपनी इस दुविधा को दूर करने के लिए 21 दिनों के अंदर अंदर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो ऐसे में आपको गर्भावस्था के संकेतों को जान लेना चाहिए, मगर अधिकतर महिलाएं प्रेगनेंसी में दिखने वाले कुछ संकेतों को इग्नोर कर देती हैं, जिस वजह से उन्हें पछताना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिसे देखने पर आपको तुरंत ही प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लेना चाहिए। पहला है पेट में मरोड़। वैसे तो गलत खान पान या अनहेल्दी प्रॉब्लम के दौरान भी पेट में मरोड़ पड़ने की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे और पेट में बार बार मरोड़ पड़ रहा है तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें, ताकि कोई आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा है आपके ब्रेस्ट में दर्द होना। अधिकतर महिलाएं इस संकेत को मामूली या किसी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम की समस्या मान लेती हैं, मगर यह प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिस वजह से ब्रेस्ट में भारीपन व दर्द महसूस होने लगता है। अगर आपको भी इस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगला संकेत है आपका मूड स्विंग होना। प्रेग्नेंट होने के बाद हार्मोनल चेंज होता है और अक्सर महिलाओं को मूड स्विंग की समस्या रहने लगती है। मूड स्विंग होने पर महिलाएं अधिकतर भावुक रहने लगती हैं और ऐसी स्थिति में अकेला रहना पसंद करती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस संकेत को आप नज़रअंदाज न करें और टेस्ट करा लें। अगला है आलस महसूस होना। वैसे तो कमजोरी के कारण भी आपको अक्सर आलस और थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आपको बिना ज़्यादा काम किए भी भारी भरपूर नींद लेने के बावजूद भी आपको आलस महसूस हो रहा है और बार बार सोने का मन करता है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लेना चाहिए। दरअसल प्रेगनेंसी ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण ऐसा होता है। अगला संकेत है बार बार यूरिन पास होना। वैसे तो बार बार यूरिन पास होना किसी अनहेल्थ प्रॉब्लम को दिखाता है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स बंद होने के साथ साथ सामान्य से ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो ये प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। ऐसे में या तो डॉक्टर से संपर्क करें या फिर घर पर ही प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लें। अगला संकेत है शरीर में सूजन आना। प्रेगनेंसी में प्रोस्टोजोन हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़कर सूजन में बदल जाती है और कपड़े टाइट होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। अगला संकेत है हल्के ब्लीडिंग होना। वैसे तो पीरियड्स में प्रेगनेंसी पीरियड्स बंद होना आम बात होती है, लेकिन अधिकतर महिलाओं में स्पॉटिंग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। स्पॉटिंग में हल्की ब्लीडिंग होती है, जिससे अधिकतर महिलाएं अनियमित पीरियड्स की समस्या मामूली बात मानकर अनदेखा कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। दरअसल प्रेगनेंसी में कई बार पूरी तरह से पीरियड्स मिस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत थे जो कि दर्शाते हैं कि महिला को कब अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।